हमनी के बाल बच्चा ओढ़ना बिछावना सब बर्तन सरतन सब आई जर जुर गईल बा हमनी के गरीब आदमी। यह मुबारकपुर गांव है जो मांझी थाना में पड़ता है, जो आपने सुना होगा कि मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में आज से 3 दिन पहले एक घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें कि एक लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद गुस्साए लोगों ने, अब वो लोग कौन थे इसकी जानकारी हम लोग के पास नहीं है कि कौन से लोग थे, कुछ लोगों ने आकर के कहीं मुखिया जी जो है यहाँ के उसके घर के अगल बगल में उन्होंने आगजनी किया। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से आग लगाई गई है, जो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो सीजन था पुआल वगैरह यहाँ पर रखा हुआ था, पुआल वगैरह में यहाँ पर आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें जानवर वगैरह जो था उसको बांधा हुआ था यहाँ पे, और इधर में क्या था चाची? सब पलानी है लगावले रहनी है, सब माल गोरु रखले रहनी है, सब अनाज पानी सब पाव भनई के हमनी के बाल बच्चा ओढ़ना बिछावना सब बर्तन सरतन सब आई जर जुर गईल बा हमनी के गरीब आदमी। खैला बिना थे इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर हमनी के का देखा था नहीं, घास भूसा के हमनी के गईल बानी सतल एने लागल बा त लोग। अच्छा, मतलब आप लोग को ये मालूम नहीं था कि कौन लोग आए थे? ना सर, हमनी के कुली लोग कवन आइल बा ई का को के हमनी के चल गईल, हमनी के ना चोर ना बदमाश ना हमनी के कुछ। सर कब कब ये घटना हुआ थे, दिन में हुआ था कि रात में हुआ था? हां ना दिन में, सर दिन में। कितना बजे दिन में? 12 बजे करीन में। 12 बजे दिन में? हां। कितना आदमी आई रहन जोन की एकरा? हम लोग के थाना बोला कि घर में किली लगा लगा लुका जाओ, आया के माचिस बार दिया। तो कौन 12? अब ये लो सर नहीं देखा घर में लुका, गांव में के राजपूत लो 12। मतलब ये राजपूत लोग, मतलब एक जाति विशेष के लिए हुआ? हां हां, बोली बोली ईरान और राजस्थान। हां, ईरान में वो पूरा राजस्थान आकर के जरा यार। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन क्या था जे वो वहाँ क्या कारण था, कारण क्या था? बदमाश मराया इसी के कारण। कौन बदमाश मराया है? ओ बदमाश हो राजपूत, गांव का राजपूत। अच्छा, गांव का जो राजपूत है ना, वो लोग बदमाश था? बदमाश था। अच्छा, मतलब क्या करता था कुछ मालूम है आपको? हाँ मालूम बहुत है, किसी का मोटरसाइकिल छीन लेता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी का घर में ढुक जाता है, किसी का बाहर से मार कर पीट करके पैसा छीन लेता है, बहुत चीज करता है। कौन लड़का जो जिनकी मौत हुई है? हाँ वो सब था, राहुल था, बिकी था, और एक अब उसका नाम अभी नहीं जानते हैं, वो अभिराज था, वो भाग गया। कौन भाग गया? वो गदर। अच्छा, तो आप उस दिन थे यहाँ पे? यहाँ नहीं था, हम तो दूसरा जगह था। ओ, आप दूसरे जगह थे? हाँ। तो ये वीडियो में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था कि कुछ लोगों को पीटा गया है। ओ बदमाश को पीटा गया है। अच्छा, तो वो आप ही के गांव का लड़का था ना जिसको पीटा नहीं, गया नहीं, है? नहीं, वो गांव का था, राजपूतान था। गांव आपका मुबारकपुर है ना? हाँ हाँ, सिधरिया टोला। वो गांव मुबारकपुर है? वो गांव मुबारकपुर है। तो मुबारकपुर में राजपूतान और हिरान सब हो गया था? सब हो गया था, वो मुखिया पर गोली चलाने लगा इसलिए हुआ। अच्छा, मुखिया जी का नाम क्या है? विजय यादव। अच्छा, विजय यादव पर गोली चला रहे थे? हाँ। अच्छा, इसको आप लोग देखे थे? नहीं सर, हमने के माने वो बोला चिल्लाने से वो जी जगह पर बात हो रहे सर। हाँ, वहाँ के सर वो जी जगह बाटे, अब लोग दौड़त दौड़त गईल, अब मुखिया जी के मारा तालो पीटा तालो। तो मुखिया जी पर गोली लगा रहे कि ना? हाँ लागल बा गोली का दुन मुखिया जी के। जरूर देखले रहे वो जी से मार लोग गईल त देखल का दुन जे मुखिया जी के गोली लाग गईल बाटे। गोली पकड़ लिया तो गोली ऊपर चला गया। अच्छा। उसका हाथ छिला गया पूरा। हाँ। इसीलिए वो तो गोली दो फायर करके भाग गया। अच्छा, तो इसके बाद कौन कौन सा पकड़ कौन कौन आदमी पकड़ के मारा इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, नहीं, नहीं उस टाइम में तो हम लोग गया नहीं वहाँ। अच्छा, एक चीज बताए रही घड़ी कितना आदमी रहन जो अगर इस मारत रहन वो आदमी के? सर हम लोग घर में करन यार अपना पलानी में बाल बच्चा लेके सुतर है, हम नहीं जानते हैं, लगे नहीं खेली सर वहां बा वहां होजगी बा उनकर कुर्की फारन त हे जैसे लोग के आ लागी तबे नु जोन लइका जोन जेकरा के मार दिहल गइल बा, जेकर मौत हो गइल बा, वो लइका पहले से बदमाश रहे? अब सर हम लोग नहीं जानते। रोजाना तनी ए सर बदमाश बा की का बा वो जी कैसे गइल, अब हमनी के देखा तनी सहे जैसे हमनी के बनिहारा उ आदमी हमनी के हे में करे आला, हमनी के कुली देखे आला नहीं की सर। अब हमनी के तरोवा तनी साई जी आज तो घर दुआर बिना हमनी के होने दूसरा के और होने ले गल बानी समाल जाल खूंटा खटारी सब ले गल बानी। चलिए आप देख सकते हैं कि इधर में जो है जलाया गया है, इधर सामने में भी
आग शायद इधर में देख सकते हैं आप, एक पलंग है जो कि पलंग को जला दिया गया है, एक कुछ घर है, इस घर में भी कहीं कहीं आग लगाई गई है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर खिड़की जो है उसको तोड़ दिया गया है, और देखिए इनका भी ये है, आपका भी घर जलाया गया है, तो कोई जाके घर के अंदर में कोई आग लगाया था कि बाहर से आग लगाया था? बाहर से सर जंगला तूर कर, पेट्रोल बांध कर, बम बना कर, बिक कर, उमें सलाई मार दीजिए पूरा जर के, पर दो अटैची था, एक पेटी था, एक ड्राम था। आप लोग के घर में आग क्यों लगाया गया? आप लोग के में घर में आग लगे है, हमारा घर में आग लगल जे एने से आयल लो राजपूत जे पूरा वही लोग एक लाइने से जा रहा दी सर। अच्छा, तो राजपूत कहाँ के रहन, रूरे गाँव के? राजपूत हो, मुबारकपुर के रह लो। अच्छा, तो इहो मुबारकपुर है ना? तैसी धरिया टोला है सर। अच्छा, तैसी धरिया टोला के मतलब वो आयल लो जे पूरा मैं जरा दी सर, तो आन आन जगह के मतलब आयल लो रह लो। मैं चार गाँव के आदमी ना रहल, ओमें चार मुबारकपुर के गुंडा था सर, एकदम छोकरे छोकरे था, मतलब अभी शादी हुई या चाहे नहीं हुई। अच्छा, तो मैं चार गुंडा था, तो वो जी गया हमारा बच्चा है नू, तो हमारा बच्चा मैंने घर के छोड़ के हम खोज रहा है जो हमारा बच्चा कहाँ गया, तो कोई कोई कहा जे तहार बच्चा वहाँ गई एकदम। तो जब ये लोग आया था उस समय कोई पुलिस यहाँ नहीं था? ना, वो समय में पुलिस नहीं था। अच्छा, तो बाद में आप लोग पुलिस को कम्प्लेन किए? नहीं, जे जे यहाँ पर है चाहे मुखिया जी हैं चाहे ओने के हैं, अब हम नहीं देख रहा है जे कि यहाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि तो लोगों के घर में देखी हमारे पर दो गो अटैची हमारा पलंग पर धो के, और मैं जान दो चार थान दस थान हमारे गहना बा, मतलब हमारा देहे पके, तो गहना ले ले बालो हमारा अटैची या दो गो जरा दे बालो, पेटी जरा दे बालो, बाकस जरा दे बालो, तो सर बड़का डराम था, तो घर में घुस रहे, घर में जंगला देले मने जे ढूके देखी अभी ये जंगला ढूके लायक बा कि नहीं खे। अच्छा, मतलब लोग घर में घुसल रहे? हाँ, घुसल बा, आ घुस के तबे हमरा घर में आके आके देखी हमरा घर के हाल देख ली। हम लोग देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं गेहूँ चावल भी कुछ जला हुआ है, अभी देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर को भी जला दिया गया है, शायद इसी घर के अंदर में ट्रैक्टर लगा हुआ था गैरेज में, और ये ट्रैक्टर पूरा पूरी तरीका से जल करके एकदम खत्म हो चुका है। तो उस दिन अब कौन उपद्रवी आए थे इसकी जांच पुलिस कर रही है। और क्या क्या जला है बाबू? सर यही हमारा एक गाड़ी जली है। अच्छा, ये गाड़ी आपका था? जी सर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी बाहर में जाकर कमाते हैं, हमारे भैया है वे चला रहे थे गाड़ी। ओ जी। गाड़ी का इंश्योरेंस था? नहीं सर, सेकंड हैंड खींचा हुआ गाड़ी, आज दो महीना पहले किन कर लाए थे लोग। चलिए, तो आप देख सकते हैं, और आगे में हम लोग चल रहे हैं, आगे में जो जिनके ऊपर एक ब्लेम लग रहा है, जिस मुखिया के ऊपर, उनका भी घर आगे में है, वहाँ भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात कर दी गई है। और देख सकते हैं गाँव में पूरे सुन सन्नाटा फैला हुआ है। अभी हम लोग मुबारकपुर गांव में उसी घर के सामने में हैं, जिनके ऊपर जो मुखिया पति के ऊपर जो आरोप लगा है कि इनके द्वारा ही उस बच्चों को मारा गया है अपने मुर्गी फार्म में ले जा करके, तो उसी घर पे हैं। आप देख सकते हैं इस घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। अभी आप देखें कि प्रशासन भी आई थी, उन्होंने भी दरवाजा के कोई नहीं है घर में, आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि पूरे घर जो है सो लॉक पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, कोई भी आदमी इस घर में नहीं है। बाकी पुलिस प्रशासन तो सारे अलर्ट मोड में है इस गांव में, पूरे गांव में पुलिस प्रशासन लगी हुई है, लेकिन इस घर में कोई आदमी नहीं है, सारे लोग इस घर से फरार हैं, और जो मुख्य आरोपी हैं वो भी अभी फरार है। सिर्फ इस घर से एक आदमी की अभी अरेस्टिंग हो पाई है, जो इनके मुखिया के जो भाई थे उनकी अरेस्टिंग हो पाई है, बाकी अभी सारे लोग जो हैं सो फरार हैं, अभी किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम भाई मुर्गा तो है, इसको कोई अनभट नहीं पूछा, उठा ये मुर्गा हम दे दें तब तक ले लो गोली फायरिंग कर दी। ये तो कही जे हाथ उठा दे गोली निकल गए तब सीने पर लगता। अच्छा, एक चीज बताएं कि सुनने में ये होता थे कि विजय जाधव के ऊपर पहलू से 10-15 केस बा, कुछ ऐसा बात हुआ का?
ना ना बीजे जादव के ऊपर केस नहीं है, ना ना ये सब गलत चीज है। अच्छा, ये बात के हमको कहना है। अच्छा, वो बीजे जादव का एक तो केस था, लगाऊ केस था, जो ये पहले मुखिया था हरिंदर जादव, वही के चलते एक तो केस वो दाग दिया रहा। ये इसको बात है कि साँचा ही बात बोलता है। अच्छा, एक चीज और सुनी में होता है कि इनका बहुत सारा विधायक के संगे लगा होगा, कुछ ऐसा होगा का? सुनी विधायक के संगे बतिए को अदनी हाँ कि वह गरीब बानी अमीर बानी विधायक बड़ा कोई भी गा सबका साथ है। अच्छा, सबका साथ मतलब आपका कोई कोई हमता भी नहीं। ये हमें मुखिया हो गया, हमें बड़का कलेक्टर हुआ, कोई हमता नहीं। अच्छी एक चीज बताई कि अहिरान रजपूतान काहे होता थे? होता सिर्फ कहे के मतलब कि ये 15-15 तो जो चोर है, जो बचपन से चोरी किया है और चोरी के निगाह से सब कहा कि ये अपना घर खोल कर सोचिए और मुखिया हमको बनाइए। अच्छा, और घर खोल कर सोचिए, कोई चोर बदमाश नहीं आएगा। तो धरी की जे मुखिया कितना दिन से बा? मुखिया कितना दिन से बा? अभी तो साल बहुत अबे तो एकरा से पहले ही मुखिया ना रहा? ना ना, तो धरे के ई मुखिया के ओ मुखिया के ई सास देले बड़े। अच्छा, कोले के जे तरह के जी चावल जाई। अब धरे के हरिंदर जादव है, जो हरिंदर जादव के द्वार पर गए थे, ये दोबारा खड़ा हुआ था। हम पंजाब थे, पंजाब से आए वोट मांगे, वोट मांग कर वो बदमाशी कर कर ये जीत गया रहा। हरिंदर जादव जीत गया था, वो चोर किया बोला कि जे माने बदमाशी कर कर गोली चला कर सब वोट को खत्म करके इनार में डाल दिया, सारे पुलिस भाग चला। अच्छा, एक चीज बताई, बूढ़ बुजुर्ग आदमी बानी, एकरा में रुआ की कर लगा था कि कर गलती बाटे? सुनी हम साचा बात कहे, माँ धरती के पिता समान चल जाना है ऊपर। हाँ। लेकिन ये कानून साफा उल्टा हो गई बा, साफा उल्टा बीजे जादव के लगे सारा सच्चाई बा। बाप को मारा गया तो कोई कुछ नहीं किया, फिर भी गोली चला तो कुछ नहीं हुआ, अभी ये कानून क्या करेगा? गरीब मर रहा है, सब आदमी मर रहा है, राजनीति क्या है इसे हमको समझे में नहीं आ। तो अभी सरकारों तो रोरे सबके बाना लोग कहता कि लालू जी के बेटा अभी बावन उप मुख्यमंत्री माने लालू चाहे तेजस्वी का करेंगे, हम लोग मर जाएंगे, बाल बच्चा सब छोड़ कर घर द्वार चला गया राजपूत यहाँ चढ़ चढ़ के। आ कुछ दिन पहले से भी हमारे टोला से आधरिए कि ये राजपूतान का पहले खटिया बिछाता था बाबू साहब के, बाबू साहब कहता था, और अभी धरिए कि ये युग बदल गया है, हम बाबू साहब नहीं कहते, हम प्रणाम नहीं करेंगे। ये लोग बकुला गया है कि बहुत अहिर आगे हो गया, बहुत अहिर ये हो गया। तो एकरा में माने रोड़ा लगा था कि विजय जादव कहीं से कोनो गलती नहीं? कोनो गलती नहीं, सारा ये केस धारा उल्टा हो गई बाबे, सारा उल्टा। लोग तो कहता कि जो थाना प्रभारी जन रहन पहले मांझी थाना के, वो मिलल रहन इनकरे संगे मिल के रहत रहन। सुनी अब कहे के मतलब कि जो तना हम बता सके मिल के रहे चाहे कोई रहे, ये जो लड़का है नू इसमें गलती कहीं नहीं है, वो रहेगा मर जाएगा मिट जाएंगे जो कुछ हो जाएंगे, सच्चाई है, सच्चाई है। ये मुखिया जी का दलान है जिनके यहाँ जो यह घटना के बाद में जो अंजाम दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, वो देख सकते हैं यही उनका दलान है, जहाँ पर जिसको बैठका गांव में लोग बोलता है। इधर देखिए, इधर में बहुत सारा चावल गेहूँ सब जला हुआ है, फ्रिज वगैरह सब रखा हुआ था, दरवाजा को भी तोड़ा गया है।